निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार के हम समीकरण कैसे हल करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, कोई भी टफ नहीं है, बहुत ही आराम से हल करेंगे, कोई जिद जबरदस्ती नहीं, बहुत आराम से चलेंगे, धीरे धीरे एकदम पूरा समझते हुए एक एक लाइन। तो पहले ये जो 3x है इसका क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण, तो अभी ये बना ही, अभी समीकरण का, अब इसको समीकरण बनाते हैं एकदम बढ़िया से प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है ना, प्योर मतलब ओरिजिनल टाइप का कैसे होता है। तो देखिए 3 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे, जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 3 दुना 6y हो जाएगा, और इसके बराबर कितना है, 10y प्लस का 5 है। ये तो समझ में आया ना, आसान है, कुछ नहीं किया, बस अंदर गुणा कर दिया। अब ये 3x और ये 6y है, इसको इधर लेके आइए, अरे बिरादरी वाले एक साथ रहते हैं ना, जात बिरादरी वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस का 6y ना, इधर 10y प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 10y बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा, बचेगा ना एकदम, क्यों नहीं बचेगा, जरूर बचेगा। अच्छा ये इस तरीके से निशान लगाया जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे क्या होगा, इसका मतलब होता है या, मतलब या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे सिंपल। देखिए अभी क्या हो जाएगा, 10y इधर रहेगा 3x प्लस का 6y माइनस का 10y, माइनस 10y ज्यादा है तो निशान क्या रहेगा, माइनस, अब 10 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, 4y बराबर 5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, हो गया ना आसान। चलिए अब दूसरा वाला उठाते हैं, दूसरे वाले में क्या करते हैं, इसको भी अंदर ही गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे इसको, ये कितना आएगा लिख दीजिएगा, और ठीक है, और क्या आ गया, अब लिखिए कैसे होता है, 2x हो जाएगा 2x प्लस 2 दुना 4y बराबर 3x प्लस का 2। ये समझ में आया कैसे हुआ, अंदर ये गुणा हुआ उसी तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस, अब ये इधर x है ना, इधर ले आओ, तो जगह 2x माइनस का 3x प्लस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा 2x, इस तरीके से लगाते चले नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी 2x अब नहीं लिखेंगे, माइनस का 3x है, देखिए माइनस का 3 माइनस वाला ज्यादा है तो लिखेंगे माइनस, अब 3x में से 2x अगर घटा मतलब 3 है ना, 3 ज्यादा है, 2 माइनस में और ये प्लस में, अगर आपके पास 3 रुपया उधार और 2 रुपया किसी से मिल जाए तो 2 रुपया चुकता कर देंगे, बचेगा कितना, 1 रुपया ना, 1 रुपया बचेगा उधार आपका, लेकिन 1 दिखाई नहीं देगा, कितना बचेगा, x बचेगा, भगवान दिखते नहीं है, बस होता है कि यहाँ भगवान है और भगवान 1 है, ठीक है ना, तो वो किस रूप में हमारे लिए, मैथ में हमारा बहुत काम कर रहे हैं सब। देखिए चलिए अब ये क्या बचेगा, प्लस 4y बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, देखिए लीजिए ना। चलिए अब कुछ भी नहीं करना है, हमको समीकरण नंबर 1 में भी 4y मिल गया, समीकरण नंबर 2 में भी हमारा कितना मिल गया, 4y मिल गया। अब ये प्लस में और ये वाला माइनस में, कुछ मत करिए, निशान नहीं बदलना है, क्या करेंगे जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 हमारा कौन सा, ये है 3x माइनस का 4y बराबर 5। समीकरण 2 हमारा कौन सा है, माइनस का x प्लस 4y बराबर 2। अब जोड़ना है, जोड़ना है तो कोई निशान बदलेगा ही नहीं, तो ये दोनों कट जाएगा और ये 3x में से 1x घट जाएगा, बचेगा कितना, 2x बचेगा, 2x बराबर 5 2 7, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 7/2, x का मान हमारा आ गया 7/2 आ गया। समझ में आया ना, आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको आना चाहिए कि इधर भेजेंगे तो कितना होगा, ऐसे आगे पीछे भेजना आना चाहिए कि प्लस वाला उधर जाएगा माइनस, माइनस वाला इधर जाएगा प्लस, भाग वाला उधर जाएगा गुणा, गुणा वाला उधर जाएगा तो भाग, बस यही इतना करना है और कुछ नहीं। x का मान हो गया, अब x का मान समीकरण किस समीकरण में रखने, जो आपको टफ लगे बताइए, इसमें रखने क्या, माइनस इसी में रख दे रहे हैं, हाँ इसी में रखेंगे। चलिए तो समीकरण 2 में रखने पर, देखिए हमको सिर्फ हल करने को बोला है, कहा समीकरणों को हल कीजिए, उसकी सत्ता तक जांच नहीं करनी, लेकिन हम जांच करके बता देंगे कैसे होगा जल्दी जल्दी में। देखिए तो यहां जब रखेंगे x का मान माइनस पहले से है, माइनस 7/2 हो जाएगा, प्लस का 4y बराबर 2 हो जाएगा, ये होगा ना। अब देखिए 2 है इधर कोई नहीं तो भगवान इधर अंदर आ जाएगा, इधर देखिए 1 का गुणा इधर होगा, माइनस का 7 प्लस 2 का जब गुणा करेंगे 2 चौके 8y
बटे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा बराबर दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का सात प्लस आठ वाई बराबर दो, इधर भाग में उधर जाके गुणा में, तो जब इसका गुणा करेंगे दो दुना चार हो जाएगा, हो गया ना। चलिए अब क्या लिखते हैं, आठ वाई बराबर चार, ये माइनस का सात उधर से आएगा तो प्लस का सात हो जाएगा, और सात चार ग्यारह हो जाएगा, अर्थात एट वाई बराबर ग्यारह, इस तरीके से निशान लगा दीजिएगा, या आठ वाई, अब वाई बराबर क्या हो जाएगा ग्यारह बटे आठ हो जाएगा, वाई बराबर कितना आ गया ग्यारह बटे आठ आ गया। यहां तक समझ में आना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा, एक बार फिर से आपको समझाएंगे, एकदम जब तक आपके दिमाग में घुस नहीं जाएगा तब तक समझाएंगे। ये हम लोग विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया सीधे तो एक सीरीज से लगाते चले जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम एक्स का मान वाई के पद में, वाई का मान एक्स के पद में रखते हैं, हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए इतना आ गया, अब हम लोग को जांच करना है, ठीक है ना, जांच करते हैं। चलिए यहाँ पे जांच भी कर देते हैं, यहां लिखते हैं जांच, जांच, ठीक है। जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच करने में कुछ नहीं है, कौन से समीकरण को उठाएं, क्वेश्चन से ही जांच करते हैं, ये भी याद रहे। चलिए समीकरण ये लेते हैं, पहला वाला, क्यों पहला समीकरण नहीं ये लेते हैं, ये समीकरण तो देखिए इसी को ले लेते हैं, चलिए इसी को लेते हैं हम जांच, दो एक्स प्लस का दो वाई बराबर थ्री एक्स प्लस का दो, इतना है ना, दिख रहा है दोस्तों, एकदम साफ दिख रहा है। चलिए क्या करेंगे, इसी में x और y का मान रखेंगे, दो x का मान कितना है हमारा सात बटे दो, लिखेंगे सात बटे दो, प्लस y का मान हमारा ग्यारह बटे, तो दो गुड़े ग्यारह बटे आठ हो जाएगा, याद रहिए, बराबर तीन गुड़े x का मान कितना है सात बटे दो प्लस का दो, इतना समझ में आया, सिर्फ अभी मान रखे और कुछ नहीं किए। अब देखेंगे दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दो चौका आठ हो जाएगा, ये दो से अंदर गुणा भी कर दीजिए, दो सत्ते चौदह प्लस ग्यारह दुना बाईस, इधर बटे दो हो जाएगा, इधर बटे चार रहेगा, बराबर ये सात त्रिक इक्कीस बटे दो प्लस का दो, चाहे तो इसको बटे वन लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस यही है, यही जांच हो जाएगा अभी। देखिए अब देखिए दो चीज कर सकते हैं, या तो चार के इधर गुणा कर, या तो इसी में दो से गुणा कर दे ऊपर नीचे, ठीक है, चौदह दुना अट्ठाईस बटे दो दुना चार हो गया, प्लस बाईस बटे चार हो गया, इधर क्या कर सकते हैं, इधर देखिए क्या करेंगे आप लोग, इधर एक इक्कीस हो जाएगा, प्लस दो दुना चार हो जाएगा बटे दो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आना। चलिए अब अट्ठाईस में बाईस जोड़ेंगे, देखिए आठ दो दस को जीरो हासिल, एक दो दो चार और एक पांच, पचास बटे चार हो जाएगा, बराबर इधर कितना होगा चार एक पांच हो जाएगा, पच्चीस बटे दो हो जाएगा, होगा कि नहीं, पच्चीस बटे दो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए कट रहा है ना, अभी कट रहा है कि नहीं, तो काटेंगे, दो दुना चार, दो पच्चीस है पचास, मतलब कितना आ गया पच्चीस बटे दो बराबर पच्चीस बटे दो आ गया, ये हमारा आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया ना, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आसान है, बस देखने में आपको टफ लगता है, इतना इजी क्वेश्चन पता नहीं कैसे आप लोग कहते हैं नहीं लगता, बस स्टेप याद रहना चाहिए कैसे कैसे करना, एकदम इजी क्वेश्चन, समीकरण को लगाना बस चुटकियों का खेल है, ऐसे देखते रहिए सारे जितने भी समीकरण सब लग जाएंगे। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, कुछ था क्या, कुछ भी नहीं, नहीं समझ में आता, एक बार बैक करिए फिर से देखिए, पूरा समझ में आएगा, एकदम सीधा यहाँ पे जाएगा।